Hey guys, welcome back to my channel and I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे. तो आइए आज हम pencils के बारे में बात करते हैं कि एक artist beginners के लिए कौन सी pencil सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है सीखने के लिए. तो बहुत से लोग confused होते हैं कि मैं कौन सी pencil use करूँ सीखने के लिए, कौन सी नहीं करूँ, या वो ज़्यादा ज़्यादा cheap rate में भी आती है बहुत सारी pencils, या बहुत हाई रेट में भी आती है. तो इन सब बातों को आज डिस्कस करते हैं इस वीडियो में. तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए. तो अगर मेरा मानना है कि जो बिगनर्स होते हैं, जो सीखते हैं आर्ट वगैरह का, जो स्केच बनाना अभी सीख ही रहे हैं, तो उनके लिए ग्रेफाइट पेंसिल्स बहुत ज़रूरी होती है सीखने के लिए. बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो स्टार्टिंग में सीखने के लिए चारकोल पेंसिल का यूज़ करते हैं, बट चारकोल पेंसिल्स यूज़ नहीं करनी चाहिए. जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए ग्रेफाइट पेंसिल मच बेटर होती है. जैसे ग्रेफाइट पेंसिल में जब मैंने ये आर्ट वगैरह सीखी थी तो मैंने अप्सरा की ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ की थी और ये चीप रेट में भी आपको मिल जाती है और सीखने के लिए बहुत बढ़िया होती है. तो सीखने के लिए हमेशा ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ करना चाहिए. एंड जब आप थोड़े प्रोफेशनल हो जाते हो उस चीज़ में, अगर आपको चारकोल आर्ट्स बनाने का कुछ मन कर रहा होता है या कुछ भी होता है, चारकोल आर्ट बनानी होती है, तो इसके लिए बेस्ट कैमलिन की जो पेंसिल है ये मेरे लिए तो बहुत बेस्ट है. मैं इसका यूज़ करती हूँ जब भी मुझे कोई चारकोल स्केच बनाना होता है, चारकोल ड्राइंग बनानी होती है. चारकोल के लिए वैसे चारकोल स्टिक भी आती है एक छोटी सी, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो बिगनर्स के लिए नहीं होती है, वो उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो ये कैमलिन की जो पेंसिल है, ये चारकोल पेंसिल है, ये मे बी आपको 10 to 20 रुपीज़ के अंडर मिल जाती है. ठीक है, तो ये बेस्ट होती है. और जो बात करते हैं हम अप्सरा के जो ग्रेफाइट पेंसिल होती है, ग्रेफाइट पेंसिल तो इसकी शेडिंग थोड़ी लाइट होती है. अब लाइट शेडिंग में हम कह सकते हैं, जैसे आप मेरे पीछे ये थोड़ी ड्राइंग्स देख रहे होंगे, तो सबसे इधर वाली जो है, ये वाली और ये वाली जो है, ये दोनों ग्रेफाइट पेंसिल की बनी हुई है. ठीक है, और बाकी जो जितनी भी है, जो डार्क शेड में आप लोगों को दिख रही होंगी, ये सारी चारकोल पेंसिल से की गई है. ये कैमलिन की चारकोल पेंसिल है. ठीक है, और अगर कभी कभी जो जैसे हेयर्स वगैरह में हम शेडिंग के लिए यूज़ करते हैं, जैसे हेयर्स में हमें लाइनिंग देनी होती है वाइट कलर की, तो उसके लिए अप्सरा की जो ये है ये भी ठीक होती है, बट इसके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं है. ये जो वाइट पेंसिल होती है ये काफ़ी मज़ेदार नहीं है, मतलब मैंने यूज़ करी है बट इससे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाया. इसके लिए तो वो थिन वाली जो रेजर होती है वो ज़्यादा अच्छा काम करती है. ठीक है, तो बस यही बताना था. और डार्क शेड के लिए ये ग्रेफाइट की अब आर्ट लाइन की जो पेंसिल है इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट है. ये भी मैंने बहुत यूज़ की है बट इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं, तो आप इनको भी गो थ्रू कर सकते हो, इनको भी यूज़ कर सकते हो, तो ये भी सही है. तो अगर आप बहुत बिगिनर हो, अभी सीख ही रहे हो, सीखना कुछ चाहते हो, तो उसके लिए ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ कीजिए, वो आप लोगों के लिए बेस्ट है चीप रेट्स में. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि मेरी फर्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले दिखे. ठीक है, बाय बाय.